चाचा पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे बिहार में, एनडीए मिलकर कैसे आगे बढ़ेगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद चिराग पासवान। चिराग पासवान जी, आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। आखिर एनडीए में आ गए आप, किन शर्तों पे आए, क्या बातचीत हुई है, किस ढंग से चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या कैबिनेट में मंत्री के तौर पे वापस होगी आप? बस शर्तें नहीं थी आने की, बट हाँ कुछ चिंताएं जरूर थी हम लोग की। देखिए, हम लोग की एक छोटी पार्टी है एंड मेनली सेंट्रिक इन बिहार, जिसको हम लोग जरूर एक्सपेंड करना चाहते हैं। अभी नागालैंड में हम लोग के दो विधायक हैं और विभिन्न और राज्यों में चुनाव हम लोग लड़ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक समय में हम लोग की अच्छी उपस्थिति वहां की विधानसभा में थी। तो एक्सपेंशन हर पार्टी चाहती है, हर पार्टी अपने दायरे को बढ़ाना चाहती है। तो ये हमारे कुछ कंसर्न जरूर थे जो मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मैंने साझा किए। गठबंधन करना एक बड़ा फैसला है और भाई मैं जिस सोच से आता हूं, मैं मेरे मुख्यमंत्री की तरह हर दूसरे तीसरे साल में गठबंधन नहीं बदल सकता। हम लोग जिनके साथ रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, स्थायी रूप में रहे हैं, और अगर उनसे अलग भी हुए हैं, जैसे 2020 में मैं अलग हुआ पर मैं किसी और गठबंधन का मैं हिस्सा नहीं बना। एनडीए के साथ हम लोग थे, 2020 विधानसभा का चुनाव मैंने अकेले लड़ा, पर उसके बाद भी मैं किसी और गठबंधन में मैं नहीं गया। तो डेफिनेटली कमिंग बैक इन दिस अलायंस, एनडीए के साथ वापस आते वक्त ये चिंता जरूर थी कि आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, तो इनको लेकर जितनी मेरी चिंताएं थी, जितने मेरे कंसर्न्स थे, वो जरूर मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखे। मुझे खुशी है कि मेरी तमाम चिंताओं को सम्मान दिया गया और आज ये फैसला उसी के आधार पर लिया गया। क्या चिंताएं थी आपकी? जैसा मैंने कहा, लोकसभा है, लोकसभा की सीटें हों या विधानसभा की हों, कई ऐसे विषय थे जिनको लेकर मैं चाहता था कि एक सेंस ऑफ क्लैरिटी पहले हो जाए, ताकि बाद में चल के किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं हो, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज्यादा दूर रहे नहीं है, चुनावी वर्ष में हम लोग ऑलरेडी आ गए हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर चर्चा। कितनी सीटों पर लड़ेंगे लोकसभा में? पिछली बार 6 सीटों पर लड़े थे 2019 में, जिनमें से 5 चले गए, 1 आप अकेले बचे हैं, तो इस बार कितने सीटों पे आप लड़ेंगे लोकसभा में? भाई मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर गठबंधन के भीतर की बातों को इस तरीके से मैं सार्वजनिक करूं। मुझे लगता है जो चर्चा मेरी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई है, वो हमारे बीच की बातचीत है। सही समय आने पर जरूर उसको भी साझा किया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि अभी इसका खुलासा करना उचित होगा। मंत्री बनेंगे केंद्र में? भाई देखिए, जब गठबंधन होता है वो मंत्री बनने के लिए तो नहीं होता, कम से कम खासतौर पर मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे लिए मंत्री बनना या मंत्री पद वो मायने नहीं रखता। मैंने अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को निरंतरता में देखा, तो मैं समझता हूं कि मंत्री पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग कहते हैं इसको कि मलाई खाने के लिए है और ये है, बट मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप एक ऐसे पद पर हैं जहां आप एक बड़े वर्ग का, एक बड़े संख्या में लोगों का आप भला कर सकते हैं, अगर आपकी सोच, आपकी नीयत अगर सही हो। तो मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बट बहरहाल जब गठबंधन होता है तो वो लोक नीतियों को लेकर होता है, आपके सिद्धांतों को लेकर होता है, आपके विचारों को लेकर होता है, आपके कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, एजेंडाज क्या हैं, जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा अलायंस का मेन मकसद इसी सोच के साथ था कि कैसे लोकसभा में हम लोग एनडीए को मजबूती दें, विधानसभा में बिहार में हम लोग एनडीए को मजबूती दें, ना कि किसी मंत्री पद को पाने के लिए। लेकिन मंत्री पद का ऑफर तो आया ही होगा आपको बनाने की बात, तो क्योंकि आपके चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री बने हुए हैं केंद्र में, वो आप ही की पार्टी से सांसद थे, तो आपको लगता है कि आपको ऑफर तो दिया होगा और मंत्री बनेंगे आप, क्योंकि कैबिनेट का एक्सपेंशन कहा जा रहा है कि आप ही लोगों की वजह से रुका हुआ था, कुछ लोगों को एनडीए में शामिल किया जाएगा उसके बाद कैबिनेट। पूर्णता प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, इस पर किसी भी दूसरे का टिप्पणी करना उचित नहीं। पर आपकी कोई बातचीत हुई है इस बारे में? जैसा मैंने कहा कि पूर्णता प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, इसमें किसी का भी मुझसे बातचीत करना या इसमें मेरी कोई सहमति या असहमति देना उचित नहीं है। ऐसी कोई डील नहीं हुई? ऑफ कोर्स नॉट। जैसा मैंने कहा कि चर्चाएं सिर्फ गठबंधन को कैसे मजबूती मिले उसको लेकर हुई, किसी मंत्री पद को मद्देनजर रखते हुए कभी नहीं हुई। चिराग जी, आपके चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री बने हुए हैं केंद्र में और हाजीपुर की सीट को लेकर भी बवाल चला हुआ है। आपने एक दावा ठोका है कि मेरे पिता की सीट है पुरानी, वहीं से लड़ते रहे, विरासत की अगर बात की जाए तो वो छोड़ने को तैयार नहीं। आपके चाचा कह रहे कि नहीं, मैं लड़ूंगा, मेरे को जाते हुए उन्होंने सौंपी थी सीट और मैं यहां से लड़ूं, मैं केंद्र की पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था। और चिराग पासवान कौन होते हैं ये सब कहने वाले? नहीं, डेफिनेटली हर कोई अपने अपने दावे करता है, वो वहां के मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने अपने दावेदारी पेश की है, मेरे अपने कारण है वहां से दावेदारी पेश करने के।
बचपन से जब से वो संभाला, मैंने अपने पिताजी को हाजीपुर का ही प्रतिनिधित्व करते हुए देखा। सो कहीं ना कहीं एक सिनोनिम सा बन गया था हाजीपुर और मेरे पिता का नाम। तो ऐसे में जब वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे लगता है कि एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है हाजीपुर के भी प्रति, और जो जो कार्य उनके अधूरे रह गए उनको मैं वहां पर मैं पूरा करूं। मैं कई काफी समय अपना बिहार में जब रहता हूं, हाजीपुर में मैं देता भी हूं। तो यकीनन मेरी ख्वाहिश है, अंतोगत्वा इस पे अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है। और आई थिंक विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी का भी कहीं से भी चुनाव लड़ने को लेकर। मैं मानता हूं कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर इन तमाम परिस्थिति को मद्देनजर रखेगी जरूर, और मेरा पूरा विश्वास है, कहीं पे कोई शंका नहीं है। और ये विश्वास को मैं पूरे अथॉरिटी के साथ मैं कहता हूं कि हाजीपुर से अगला चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। आप लड़ेंगे, आपकी मम्मी लड़ेंगी रेणु? ये अंतिम फैसला भाई पार्टी करेगी, पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा कि वहां से कौन चुनाव लड़ता है, पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। बट चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। आपके चाचा तो छोड़ने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं चिराग पासवान कौन होते हैं उनको तो पता ही नहीं है, जैसे सड़क पे कोई जानवर बीच सड़क खड़ा होता है, पता नहीं होता किस साइड जाना है, तो चिराग पासवान की ये स्थिति है। ऐसे ऐसे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, मुझसे बड़े हैं उम्र में, और बड़ों का हक होता है, अधिकार होता है, नाराज हो सकते हैं, डांट सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने आज तक कभी उनकी किसी बात का ना बुरा माना, ना मैंने किसी भी बात पर उनको पलट के जवाब दिया, ना मेरे संस्कारों में है ये। वो अपनी बातें रख रहे हैं अपनी तरफ से, बस मुझे कभी कभी अफसोस इस बात का होता है कि जब वो कहते हैं, कहते कहते इतने उत्तेजित हो जाते हैं। हैं तो मेरे चाचा ही, मेरे पिता के बाद मैंने उन्हें ही अपना पिता माना था। तो ऐसे में जब मैं उनको देखता हूं इस तरीके से परेशान, या जिस तरीके से कमेंट्स आते हैं उनके बारे में, या लोग कहते हैं, इन बातों को लेकर मैं दुखी होता हूं कि उम्र के इस पड़ाव में इतने चिंतित, इतने परेशान, इतने आक्रोशित जब मैं उनको देखता हूं, या जब लोग उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं, उनके हर कमेंट्स, उनके हर बाइट के बाद जब नीचे कमेंट्स आ पड़ते हैं, तो वो चीज़ें मुझे जरूर परेशान करती हैं। बट मुझे लगता है समय हर चीज का रास्ता खोज ही लेता है, 24 आते आते तक ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। अगर वो सीट नहीं छोड़ते हैं फिर तो आमने सामने चाचा भतीजा फिर एक बार सामने हो जाएंगे, आमने सामने। मुझे नहीं लगता भाई ऐसी कोई परिस्थिति आएगी। बीजेपी उनको मना लेगी कि आप छोड़ दीजिए? जैसा मैंने कहा, समय रास्ता निकाल ही लेगा। तो अगर पूरी पार्टी, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि आप और आपके चाचा दोनों एक बार फिर साथ हो जाएं, पूरी पार्टी एक साथ हो जाए, क्या इस पे पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक बार फिर साथ आ जाएं? भाई मैं जिस परिवार से आता हूं वहां पर ऐसे फैसले बड़ों के द्वारा ही लिए जाते हैं, और मुझे लगता है मेरे चाचा ने ये फैसला कई बार ना सिर्फ लिया है बल्कि इसकी घोषणा भी उन्होंने कई बार कही। उन्होंने तो यहां तक कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाल फिलहाल में भी जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी गए, उन्होंने उनसे बातचीत की, उस वक्त भी उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को नकारा कि ऐसा कोई समझौता संभव ही नहीं है। तो जब घर के बड़ों ने ही ये फैसला ले लिया तो मेरी हामी का या मेरे इनकार का कोई मायने ही नहीं बचता। लेकिन आप चाहते हैं, दिली ख्वाहिश आपकी कि फिर एक बार पूरा पासवान परिवार और पूरी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव में जाए? भाई मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मैं इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूं। 2 साल का समय मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी मदर के लिए, मेरी सिस्टर्स के लिए, मेरे मेरे जीजा जी के लिए, मेरे भांजे भांजी सबके लिए ये बहुत कठिन समय रहा है। इन 2 सालों में हम लोगों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई तरीके की विपरीत परिस्थितियां, मेरे पिता के निधन के बाद परिवार को टूटने से लेकर पार्टी को लेकर कई ऐसी परिस्थितियां हम लोग के सामने आई। तो उसमें एकदम अपने लक्ष्य को क्लियर रखते हुए बिना किसी डायवर्जन के मैं सिर्फ अपने काम पर मैंने ध्यान दिया, और अब 2 साल के बाद जब मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकला हूं। बल्कि कभी कभी मुझे चाचा जी को लेकर लगता है कि वो अभी भी वही 2 साल पुरानी ही बातें करते हैं कि उस वक्त ऐसा हुआ था, ये हुआ था, सांसद ये चाह रहे थे, इसने ऐसा फैसला लिया, इसने लोगों की नहीं सुनी। वो अभी भी उसी एरा में उलझे हुए हैं जबकि समय बहुत आगे बीत गया। तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में इस प्रश्न की कोई इंपॉर्टेंस अब बचती है। 6 सीटें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 6 सीटें चुनाव लड़ी थी 2019 में, 6 की 6 जीती थी और एक राज्यसभा की सीट, तो आपको लगता है कि 6 सीटें प्लस राज्यसभा अभी भी आपको दी जानी चाहिए? भाई इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हम लोग की हुई है गठबंधन के भीतर, और बहुत सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं। बट मैं पुनः दोहराऊंगा, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादाओं के बाहर जाऊंगा अगर इसके पे मैं कोई भी चर्चा सार्वजनिक तौर पे करूं, क्योंकि ये गठबंधन के भीतर की बात है। जब भी इसको साझा करना होगा, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे सारे गठबंधन के साथी इसको साझा करेंगे।
चिराग जी, ये तो सवाल हुआ चाचा भतीजे की बात का, लेकिन बीजेपी के साथ भी आपका मकान खाली करवाया गया, आपने बहुत कोशिश की कि मकान खाली ना किया जाए, उसी बीजेपी ने आपको जब जेडीयू के खिलाफ भी ऐसी खबरें थी कि जेडीयू के खिलाफ आपको इस्तेमाल किया, चुनाव हरवाया गया कमजोर करने के लिए जेडीयू को, फिर उसके बाद बीजेपी ये भी आरोप लगे कि बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के आपकी पार्टी को तोड़वाया, अब आप फिर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं, ऐसी क्या आपको लगता है मजबूरी थी कि उनके साथ दोबारा से जाए आप? भाई मजबूरी नहीं, जैसा मैंने कहा आप व्यक्तिगत हितों को मद्देनजर रखते हुए आप फैसले नहीं लेते हैं, आप बड़े परिपेक्ष में चीजों को देखते हैं, जब आप लोक कल्याण की बात करते हैं, जब आप जनहित की आप बात करते हैं या पार्टी हित की भी अगर आप बात करते हैं तो उसमें जरूरी है पार्टी के तमाम नेताओं के राय मशवरे को सुनना, तो ये तमाम फैसले उस सोच के साथ लिए जाते हैं। जहां तक घर खाली करने की आपने बात की, भैया मैं उस घर में रहने का हकदार ही नहीं था, वो जिस कैटेगरी का वो हाउस था, जरूर हाँ इस बात से मुझे एतराज था कि जिस तरीके से खाली कराया गया, थोड़ा सा समय मिलता तो हम लोग शायद बेहतर परिस्थिति में उस घर को हम लोग खाली करते, बट इस बात को लेकर मैं हमेशा से क्लियर था कि जिसका मैं हकदार ही नहीं हूं उस पर मैं दावेदारी कर ही नहीं सकता, तो वो घर कभी प्रश्न ही नहीं बनता था। दूसरा आपने सवाल किया कि जनता दल यूनाइटेड के सामने पार्टी को कमजोर करने के लिए, जदयू को कमजोर करने के लिए, ये फैसला पूर्णतः लोक जनशक्ति पार्टी का ही था। मैं उस वक्त, क्योंकि अब तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मैं बोलूंगा, बट उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी जो अपने मूल स्वरूप में थी उसका ये फैसला था, और भले आज कई लोग इससे असहमति दर्ज करें बट उस वक्त पार्टी के तमाम सांसद तमाम विधायक सब ने मिलकर ये फैसला लिया था कि हम लोगों को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दबाव में हम लोग को कॉर्नर किया जा रहा था, हम लोग को लड़ने के लिए ना के बराबर सीटें उस वक्त दी जा रही थी, तो ये तमाम परिस्थितियां में फैसला लिया गया पार्टी के द्वारा कि हम लोग अकेले चुनाव लड़े, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं से कोई भूमिका ही नहीं आती। और तीसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि पार्टी टूटी परिवार टूटा उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका, मैं तो इसमें बल्कि जनता दल यूनाइटेड को भी मैं दोष नहीं देता पार्टी परिवार तोड़ने में। मैं मानता हूं कि अगर आपके अपने आपके साथ खड़े रहते तो मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी ताकत है जो मेरे परिवार को या मेरी पार्टी को तोड़ सकती। यहां पर धोखा मुझे मेरे अपनों से ही मिला, मेरे अपने अगर मेरे साथ रहते तो कोई पार्टी परिवार को नहीं तोड़ सकता, तो इसमें किसी तीसरे की भूमिका की गुंजाइश ही बहुत सीमित रह जाती है जब आपके अपने ही आपके साथ ना खड़े हों। आपको कोई इतराज है कि अगर पारस जी मंत्री बने रहे सरकार में केंद्र में और आपको भी मंत्री बना दिया जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं, क्योंकि आप ही की पार्टी को तोड़ के मंत्री बने थे एक गुट को लेकर? भाई मुझे किसी बात से कोई एतराज नहीं है, जैसा मैंने कहा कि मैं इन सब चीजों से बहुत आगे निकल गया हूं, मुझे घर परिवार चाचा भतीजा इन सब की लड़ाई में उलझना ही नहीं है। मैं बिहार में, मैं खासतौर पर अगर मैं बात करूं, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ निकला हूं। मेरे लिए बड़ी चिंताएं मेरे सामने कि क्यों आजादी के 75 साल के बाद आज भी मेरा बिहार प्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री 18 साल से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या ऐसे कार्य किए जो मेरे प्रदेश को विकास की राह पर आगे लेकर जाए या बनिस्पत बाकी राज्यों के समकक्ष में लाकर मेरे प्रदेश को खड़ा करे। जब मैं विजनलेस की बात करता हूं, मैं मेरे मुख्यमंत्री जी का मैं जरूर मैं जिक्र करता हूं कि उनके पास वो विजन ही नहीं है कि कैसे प्रदेश में आईटी जॉब आईटी सेक्टर्स आए या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो या वहां पे एजुकेशनल हब बने, तो मेरी चिंता मेरी सोच पूरी उस दिशा में है। सो फॉर मी इट रियली डजंट मैटर कि कौन कैबिनेट में है, कौन मंत्री है, कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरी सोच भी उस तरफ नहीं जाती है। मतलब आप उनके साथ बैठने को तैयार है एनडीए की मीटिंग में, चाचा भतीजा आमने सामने, कोई एतराज नहीं आपको? भाई ऑफकोर्स नॉट, जब आप कलीग्स होते हैं आपको अपने व्यक्तिगत इश्यूज को, उन बैगेजेस को आपको पीछे रखकर उस गठबंधन के हित में आपको आगे बढ़ने की जरूरत होती है। चुनाव में जब आप एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, वो भी एनडीए का हिस्सा है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं हाजीपुर या जहां से भी तय होता है, तो आप उनके लिए उनको जितवाने के लिए कैंपेन करने को तैयार है? भाई हाजीपुर के अलावा जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मैं जरूर करूंगा, बट हाजीपुर से वो चुनाव लड़े ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती मुझे दिखती नहीं है। लेकिन उनको जितवाने के लिए अगर दूसरी सीट चाहते हैं तो आप कैंपेन करें? वो जहां से भी वो चुनाव लड़े मैं एनडीए का हिस्सा हूं, एनडीए जहां पे मुझे कहेगी प्रचार के लिए मैं जरूर जाऊंगा। चिराग जी 5 सांसद हैं उनके पास, आपको लगता नहीं उनका गुट ज्यादा मजबूत है, उनकी पार्टी ज्यादा मजबूत है, आप सिर्फ अकेले सांसद हैं, तो ऐसे में 2024 में आपकी दावेदारी जो 6 सीटों की पहले थी, क्या आपको लगता है दावेदारी बन पाएगी या एनडीए या बीजेपी आपको अकोमोडेट करेगा? भाई आई जस्ट बिगिन बाय करेक्टिंग यू अ लिटिल बिट, 5 सांसद उनके साथ नहीं है। जरूर वो दल बदल कानून की जो बाध्यता है
उससे संभवतः वो बंधे हुए जरूर होंगे, औपचारिक तौर पर संभवतः वो उस गठबंधन से अलग निकल नहीं पा रहे होंगे, बट इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट, एवरीबडी नोज दैट उनके जो बाकी के तीन सांसद हैं, लीविंग असाइड माई चाचा एंड माई यंगर ब्रदर, उन दो को अगर आप छोड़ दें तो बाकी के जो उनके तीन सांसद हैं वो किस किस के संपर्क में हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। कल ही उनकी एक सांसद यहाँ मेरे साथ ही मौजूद थी, लंबे समय से उनके कई और सांसद मेरे संपर्क में हैं, और ना सिर्फ मेरे संपर्क में भाई बल्कि कई और दलों के भी संपर्क में हैं। और ये बात इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट, एज आई सेड, ये मुझे पता है, ये बिहार की जनता को पता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता है, क्योंकि उनके कुछ एक सांसद तो भाजपा के भी संपर्क में हैं। तो ऐसे में ये दावेदारी पेश करना कि पांच सांसद उनके साथ हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है।